नवादा में निर्बाध रूप से चल रहे प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने अवैध लॉटरी धंधे का उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में लॉटरी बंडल को बरामद किया। वहीं इस दरमियान 5 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों के पास से 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस तथा 9,820 रुपए नकदी, 7 मोबाइल फोन एवं 20 कॉपी बरामद किया गया। यह घटना जिले के हिसुआ थाना की है। हिसुआ अनुमंडल DSP सुनील कुमार ने थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया कि हिसुआ थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हिसुआ थाना क्षेत्र के तेली टोला में धर्मेंद्र कुमार भूचन के घर पर असामाजिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। उन्होंने बताया कि ये लोग गिरोह बनाकर लॉटरी खेलने एवं भयादोहन करने का कार्य करते हैं। वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना देते हुए हिसुआ थाना को पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल धर्मेंद्र कुमार भूचन के घर पर छापेमारी के लिए पहुंचे, जहां मकान के निचले तल्ले पर कमरे में कुल 106 लोग मौजूद थे। पुलिस को देखते ही सभी लोग भागने लगे, जिसमें 5 लोगों को खदेड़ कर पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। उन्होंने बताया कि इन सभी सिंडिकेट लॉटरी खेलने वाले और चिनवाने का काम किया करते थे। इसी संदर्भ में हिसुआ थाना में 25 अगस्त को कांड संख्या 508/24 दर्ज कर धारा 318/4, 338/112 के तहत अभियुक्त बनाया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें मुख्य सरगना धर्मेंद्र कुमार फूचन, पिता सदैव प्रसाद जयसवा तेली टोला निवासी है। उन पर पूर्व में कई आपराधिक इतिहास रहा है और लॉटरी के कारोबार मामला में जेल जा चुका है। वहीं मोहित कुमार, पिता मोहन कुमार तेली टोला निवासी, अमित कुमार, पिता शंकर साहू तेली टोला निवासी, आकाश कुमार, पिता गोपाल उपाध्याय हिसुआ दरबार चौक निवासी, शिवन चौधरी, पिता लालू चौधरी हिसुआ नाला पर निवासी को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक व्यक्ति भागने में सफल हुआ। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में धर्मेंद्र कुमार फूचन के पास एक देसी कट्टा, 300 बोरा का 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं उनके घर से 37,330 पीस लॉटरी का टिकट, लॉटरी बिक्री का 9,820 रुपये नकद, 7 मोबाइल फोन एवं 30 पीस लॉटरी का हिसाब किताब वाला कॉपी बरामद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को जेल भेजकर अगले तक कार्रवाई में जुट गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान प्रशिक्षु DSP कामनी कुमारी, थाना अध्यक्ष अनिल कुमार भी मौजूद थी। नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। 2024 हिसुआ थाना क्षेत्र में के तेली टोला में एक सूचना प्राप्त हुई कि धर्मेंद्र उर्फ फुदन के घर पर असामाजिक तत्व एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उपस्थित हैं। इस सूचना का सत्यापन करने हेतु हिसुआ थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल उस फुदन के घर पर गए। वहां पर 6 लोगों को नीचे के कमरे में 6 लोगों को पाया। पुलिस को देखकर वो 6 लोग भागने लगे, जिन्हें खदेड़ करके पकड़ा गया। उसमें से 5 व्यक्ति को, एक व्यक्ति भागने में सफल रहे। उपस्थित लोगों और वहां पे जो उस कमरे की जब तलाशी ली गई, तो वहां पर भारी मात्रा में लॉटरी की टिकट, 1 देसी कट्टा, 4 कारतूस और लॉटरी बिक्री का 9,820 रुपए और 7 मोबाइल बरामद किया गया। जो लॉटरी बरामद किया गया भारी मात्रा में, उसका कुल बाजार मूल्य जो है लगभग 4.5 लाख रुपया है। इसके अलावा इस लॉटरी संचालन जो चल रहा था गिरोह बना करके, उसको चलाने के लिए लगभग 30 कॉपी और रजिस्टर जो है वो भी बरामद किया गया है। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि जब वहाँ पे उपस्थित लोग जो जितने थे, उनकी तलाशी ली गई, तो उसमें से धर्मेंद्र कुमार उर्फ फुदन के पास से 1 देसी कट्टा और 4 कारतूस उसके पास से बरामद हुआ। इसका जो है पूर्व से आपराधिक इतिहास भी है और पहले से भी है, लॉटरी के मामले में वो जेल जा चुका है। यहाँ पर जो 5 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम धर्मेंद्र कुमार उर्फ फुदन, पिता सहदेव प्रसाद हैं जो तेली टोला हिसुआ के हैं, मोहित कुमार, पिता मोहन कुमार ये भी तेली टोला के हैं हिसुआ थाना के, अमित कुमार, पिता शंकर साव ये भी तेली टोला के हैं हिसुआ थाना क्षेत्र के, आकाश कुमार, पिता गोपाल उपाध्याय हिसुआ थाना दरबार चौक के हैं ये, शिवन चौधरी, पिता लालो चौधरी हिसुआ थाना के ये नाला पर के रहने वाले हैं,
इन सभी की गिरफ्तारी की गई। ये लोग लॉटरी खेलने और खिलवाने का काम हिसुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ से एक सिंडिकेट बनाकर करते थे और इसकी सूचना मिलने पर हिसुआ थाना की पुलिस और बल के द्वारा कार्रवाई की गई है, उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो काफ़ी सराहनीय है। धन्यवाद।